अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी सिस्टम के बारे में। मेमोरी सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैशे मेमोरी में कि कैशे मेमोरी क्या होती है। कैशे मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ रैम। ये रैम की एक टाइप होती है, एक इकसाम होती है। एडवांटेज इज़ डैट इट हैज़ फास्ट स्पीड। क्योंकि ये सीपीयू के बहुत करीब पड़ी होती, तो इसलिए इसमें से डाटा इजीली हम फेच कर लेते हैं वेरी स्पीडली। कैन एक्सेस सीपीयू फास्टर देन मेन मेमोरी। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये सीपीयू के बिल्कुल ही पास होती है, तो इसलिए मेन मेमोरी से पहले ही हम इसको एक्सेस कर सीपीयू एक्सेस कर लेते हैं। लाइज बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ये हमारे सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान में लगी होती है। और उसके बाद डाटा ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, और डाटा जो ट्रांसफर होता है वो इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स होता है। वैसे जो कैशे होती है ना, वो फ्रिक्वेंटली यूज डाटा जो होता है ना, बार बार इस्तेमाल होने वाला डाटा, उसको ये स्टोर करती है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे आप मैं आपको बताता हूँ कि आप एक टेबल में अब एक ड्रॉ होता है, तो आप ड्रॉ के अंदर थोड़ी ज़रूरी चीज़ें रखते हैं जिसकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो कैशे भी इसी तरह ही एक ड्रॉ है जिसमें वो टेम्प्रेरी डाटा स्टोर करती है और फ्रीक्वेंटली डाटा स्टोर करती है जो बार बार सीपीयू को चाहिए होता है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो कैशे होती है वो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स डाटा सेंड करती है और मेन मेमोरी ब्लॉक ट्रांसफ़र करती है। ये आपको ये फिगर भी नज़र आ रही होगी। इसके वैर ही नेक्स्ट टॉपिक ये है कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे होती है। वेन एवर एनी प्रोग्राम हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड इट इज़ फर्स्ट लोडेड इन मेन मेमोरी। सबसे पहले ये मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है। द पोर्शन ऑफ प्रोग्राम इज केप्ट इन कैशे मेमोरी। इसका एक पोर्शन कैशे मेमोरी के अंदर रहता है। इट अलाउ सी पी यू टू एक्सेस मोर प्रोबेबल पोर्शन एट ए फास्ट स्पीड। ये ना जो भी इसका पोर्शन इसको चाहिए होता है ना चाहिए, तो इसको फास्ट स्पीड सी पी यू अलाउ करता है। तो इसमें थ्री स्टेप्स हैं, तो हम स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताता हूँ। स्टेप वन ये है कि सबसे पहले जो हम सी पी यू वो रजिस्टर के पास जाएगा, क्योंकि रजिस्टर भी एक टेम्प्रेरी डाटा स्टोर करता है। रजिस्टर के पास जाएगा, वो चेक करेगा कि उसके पास वो वर्ड है जो सी पी यू को चाहिए। अगर होगा तो वो उसको रीड कर लेगा, अदरवाइज इट फॉलो द नेक्स्ट स्टेप। तो इफ़ सी पी यू रिक्वायर्स एनी वर्ड फ्रॉम मेमोरी इट इज़ फर्स्ट सर्च इन सी पी यू रजिस्टर। नाउ देर आर टू केसेस। केस वन, इफ रिक्वायर्ड वर्ड इज़ फाउंड इन सी पी यू रजिस्टर इट इज़ रीड फ्रॉम देयर। ये उसको वो वर्ड मिल जाएगा तो वहाँ से रीड कर लेगा, अदरवाइज ये नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेगा। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये हमारी कैशे के पास आएगा। इट इज़ नॉट फाउंड इन सी पी यू रजिस्टर इट सर्च इन कैशे। तो अगर ये वर्ड कैशे के अंदर होगा तो वो उसको रीड कर लेगा, अदरवाइज वो स्टेप थ्री को फॉलो करेगा। इफ़ रिक्वायर्ड वर्ड फाउंड इन कैशे मेमोरी वर्ड इज डिलीवर्ड टू सी पी यू इट इज़ कॉल्ड कैशे हिट। कैशे टू क्लॉक्स को हिट करता है वैसे तो। इफ़ वर्ड इज़ नॉट फाउंड इन कैशे देन स्टेप थ्री फॉलोड। स्टेप थ्री में ये होगा कि जो हमारी मेन मेमोरी के अंदर आके सर्च करेगा इसे। When word is not found in cache memory, it is searched in main memory. If the containing page found in is found, then the page map to form memory to from main memory to cache memory. वो एक मैपिंग होगी जिसके ज़रिए वो हमारा जो पेज होगा वो मिल जाएगा। After mapping technique, word is delivered to CPU. Mapping ये होता है कि इसको मैप किया जाता है। कैशे की तीन लेयर्स होती हैं, तो L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे। तो उसकी मैपिंग होती हुई होती है, L1 के पास नहीं तो L2 के पास होगा, L2 के पास नहीं तो L3 के पास होगा। इफ़ पेज कंटेनिंग वर्ड इज़ नॉट फाउंड इन, जो हमें वर्ड चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा, तो ये हमें एक एरर जनरेट करेगा। तो ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इस सबसे पहले जो CPU के पास जो L1 कैशे सबसे फास्ट होगी, उसके बाद L2 और उसके बाद L3 और उसके बाद मेन मेमोरी। तो सबसे पहले CPU को L1 कैशे मिलती है, तो L1 कैशे में नहीं होगा तो देन वो जाएगा L2 में, और L2 में अगर कुछ चीज़ उसको लेनी होगी या काम करना होगा तो L3 में जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये है कि इंटरनल मेमोरी सिस्टम।
इंटरनल मेमोरी सिस्टम एज इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसमें रोम रैम कैशे ATC वगैरह आ जाती है। इसकी वोलेटाइल भी होती है नॉन वोलेटाइल भी होती है। अब ये हमारे पास रैम और रोम की पिक्स भी आ गई हैं। एक्सटर्नल मेमोरी वो हमारी हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं एक्सटर्नल मेमोरी, उसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। IO सिस्टम इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम जो हमारी कम्युनिकेशन होती है बिटवीन CPU एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट, जो हमारे सिस्टम से बाहर सिस्टम के अंदर चीज़ें होती है उनको वो कंट्रोल करता है। हैंडल ऑल IO ऑपरेशन ऑफ द मतलब इनपुट आउट ऑपरेशन कंट्रोल करता है कंप्यूटर के। इट आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? कीबोर्ड माउस वगैरह ये देखिए इनपुट डिवाइसेस। इनपुट पेरिफेरल डिवाइस कौन से होती है? कीबोर्ड माउस एक्सेट्रा। आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं हमारे पास प्रिंटर मॉनिटर और उसके बाद हमारे पास इनपुट आउटपुट भी बहुत होती है हमारी टच स्क्रीन। तो ये हमारा IO सिस्टम ऐसे काम करता है। तो होप सो आज आपको मेरा ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।